हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एम प्रियांशु चक्रवर्ती और इस सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। यस, नंबर्स हिंदी में बोला जाए तो अंक, 1 से लेके 9 एंड 0। हम नंबर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम एंड हम नंबर से क्या क्या कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम टू दिस अमेजिंग लेसन ऑफ नंबर्स। नंबर्स यानी कि अंक, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा 1 से लेके 9 तक एंड 0 आर कॉल्ड नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में बताया जाए तो नंबर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो मैथ्स, अर्थमेटिक्स एंड काउंटिंग में हेल्प करते हैं। अब मैं इसको ज़्यादा डीप और ब्रीफली नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आएगा। So, हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं, 10। और ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमें गिनना आता है। हम ह्यूमंस ने ये पैटर्न खोजा है बहुत ही कई हज़ार साल पहले कि हमने गिनना शुरू किया। लेट्स काउंट आवर फिंगर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वी ऑल नो कि हम ह्यूमंस के पास हाथ में 10 उंगलियाँ होती हैं। नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि एज यू नो हमारे कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज में चलते हैं, 1 एंड 0। एंड अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है तो हमें ये नंबर वाला खेल सीखना पड़ेगा। सो लेट्स मेक दिस लेसन इंटरेस्टिंग। पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 नंबर्स होते हैं, विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। हमारा पूरा नंबर सिस्टम इस 10 अंक से बना हुआ है। आप कोई भी नंबर उठा ले, चाहे वो 100 हुआ, चाहे वो 50 हुआ, चाहे 1000, चाहे उससे भी बड़ा नंबर, उसमें ये 10 नंबर होंगे। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, ना कभी बना है ना कभी बनेगा, बिकॉज हमारा नंबर सिस्टम पहले से ही परफेक्ट है। काउंटिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम बच्चों को नंबर के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि मैथ्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल। सो आपको पता चल गया कि 1 से लेके 9 एंड 0 आर द नंबर्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। सो काउंट विथ मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। वेरी गुड, अब हमने काउंट कर लिया है। आप लोग इसको घर पे रोज 5 से 10 बार काउंट करेंगे ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए और ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगा। चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हो चाहे नहीं सीख रहे हो, नंबर्स हमारे बुक्स में, हमारे दिमाग में ज़िंदगी भर रहता है। 1 से लेके 0 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद हम नंबर्स को कंबाइन करते हैं टू मेक बिगर नंबर्स। 1 से लेके 9 तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है 10। 10, 1 एंड 0 को मिला के बनाया जाता है, जो हमारे पैरे प्रिंसिपल को बताता है कि ये 10 नंबर ही मिलके पूरा नंबर सिस्टम बनाते हैं। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चार्ट आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी हम लोग सिर्फ 100 तक पढ़ेंगे, बिकॉज बेसिक लेवल पे 100 इज इनफ। पहले आप वीडियो पॉज करके इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि ये 1 to 100 कितनी ईजिली बना है इन 10 नंबर से मिल के। I will recall all the numbers from 1 to 100, which is 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So as you can see, ये पूरे एक से लेके 100 तक की जितनी भी काउंटिंग हमने की, इसमें सारे 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं और 0 है। ये पूरी काउंटिंग आप धीरे 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 सीखेंगे, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इस लेसन को और थोड़ा टिपिकल बनाते हैं आप बच्चों के लिए। हम लोग सीखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या होता है? हम लोग दो नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड का मतलब होता है एक नंबर लिया हमने, दूसरा नंबर लिया एंड दोनों को जोड़ दिया। पहले की तरह नहीं कि 1 0 जोड़ा तो 10 हो गया। ऐड मतलब होता है कि उसमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना, उसमें उस चीज़ को जोड़ देना। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल नंबर 3, एक दूसरा नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल नंबर 5। 3 and 5 को ऐड करेंगे तो 35 नहीं होता है। वेल, 3 and 5 को ऐड करेंगे तो बनता है 8। कैसे? एक हाथ में हमने लिया 3 नंबर, दूसरे हाथ में हमने लिया 5 नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोगों ने 5 और 3 को ऐड कर दिया और एक नया नंबर बनाया। और सब्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे हम लोगों ने ऐड किया, 5 में 3 8 हुआ। अगर 5 में 3 माइनस करें तो क्या होगा? माइनस सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है उस नंबर को दूसरे नंबर से निकाल देना। वेल, अगर 5 में 3 हटा दें तो बचता है 1 2 3, हटा दिया हमने तो बचेगा 1 and 2। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे एक हाथ में है 5 बॉल्स, उसमें से हम लोगों ने 3 बॉल्स हटा दिए तो उस हाथ में कितने बॉल्स बचेंगे? 2 बचेंगे। यस, सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये एक बेसिक येट वेरी फंक्शनल अर्थमेटिक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का, नंबर सिस्टम्स का। और पूरा मैथ्स आप जो भी फ्यूचर में पढ़ेंगे वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पे बेस्ड होगा। आप चाहे मल्टीप्लाइड पढ़े, आप चाहे डिवाइड पढ़े, आप चाहे बहुत ही टफ लेसन्स पढ़े, बट कहीं ना कहीं आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। इट माइट टेक लॉट ऑफ टाइम, बट यस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। आपको नंबर्स ऐड करने आने चाहिए, आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करने आने चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक होता है। वेल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हैं 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स हैं हमारे पास। तो 10 में से अगर 5 एप्पल्स निकाल दें तो कितना बचेगा? वेल, 5। यस, दिस इज सब्ट्रैक्शन। हमारे पास हैं 6 बनानास, ओके, एंड 6 बनानास में हमने
कितने बनानास जोड़ दिए? लेते हैं 4, एक हाथ में 6 बनानास है और एक हाथ में 4 बनानास है, और ये 4 बनानास मैंने दूसरे हाथ पे रख दिए, तो हमारे पास होंगे 10 बनानास। 6 + 4, 6 addition 4 is 10, समझ में आया? वेल, बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग। वेल, जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, हम लोग बड़े क्लास में जाते हैं, हम लोग क्लास 2 पे आए, क्लास 3 में, क्लास 4 पे, क्लास 5 में आए हम लोग, हमारा दिमाग भी बढ़ता है और इसके साथ बढ़ता है हमारे सोचने की स्पीड, हमारे कैलकुलेशन की स्पीड। हम लोग ईजीली नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दिमाग में। इस फिनोमिनन को कहते हैं मेंटल अर्थमेटिक्स। हम अपने दिमाग में बिना किसी पेन के, बिना किसी पेंसिल के, बिना किसी पेपर के, बिना लिखे हम लोग दिमाग से जो कैलकुलेशन करते हैं उसे मेंटल अर्थमेटिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं ये बेसिक कैलकुलेशन अपने दिमाग से कर सकता हूँ। 10 + 10 = 20, 10 + 20 = 30, 5 + 3 = 8, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, आप लोग का दिमाग भी बहुत तेज़ होता जाएगा। हमें इस तेज़ी को यूज़ करना है मेंटल अर्थमेटिक को बढ़ावा देने के लिए। आप बच्चे जब बड़े होंगे आप इजीली मेंटल अर्थमेटिक्स को कर पाएंगे। कुछ लोग थोड़ा कम कर पाएंगे, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा, बट कर पाएंगे। मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी, डिविजन भी, एंड सो ऑन सो ऑन। वेल, मेंटल अर्थमेटिक्स, नंबर्स, काउंटिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन। हम लोग आते हैं AI पे। वेल, हमने नंबर्स क्यों पढ़ा? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी कोड्स को सिंप्लीफाई करता है। अभी आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं समझाता हूँ। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी कोड्स, दैट इज 0 and 1, आर द ओनली टू नंबर्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। कंप्यूटर को 0 and 1 ही समझ में आता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। Aren't you curious कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड्स यानी कि 1 and 0 ही क्यों समझता है? Well, इसका सिंपल आंसर है, कंप्यूटर एक मशीन है एंड मशीन में सर्किट्स होता है। सर्किट का मतलब छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं जिसमें तारें लगी होती हैं एंड छोटी मोटी चीज़ें लगी होती हैं। ये सर्किट स्विच की तरह होते हैं। एंड स्विच कैसा होता है? या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। ऑन का मतलब होता है 1 एंड ऑफ होता है 0। बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है। ये इतना सिंपल होता नहीं है। हमने एक सर्किट को ऑन करना है, कंप्यूटर को कमांड देंगे 1, जिससे सर्किट ऑन हो जाएगा। एंड एक सर्किट को ऑफ करना है तो हम कंप्यूटर को कमांड देंगे 0। और बहुत सारे जीरोज एंड वंस मिलके एक पूरा कमांड बनाते हैं। आप ऑन एंड ऑफ से एक सर्किट को मैसेज भेजते हैं और वो सर्किट समझ जाता है कि क्या करना है। समझे आप? तो बाइनरी लैंग्वेज में नंबर्स और नंबर की पहचान करना, नंबर्स का यूज़ करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न नंबर्स। आप ये लेसन पूरा फिर से देख सकते हैं अगर आपको नंबर्स याद करने हैं, अगर आपको एडिशन सीखना है, आपको सब्ट्रैक्शन सीखना है। एक कॉपी लीजिए आप, छोटे छोटे नंबर्स ऐड करने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो तब तक के लिए बाय।